गंगाधर को सबसे ज्यादा दिखने का शौक है, जैसे कि सबसे अच्छा दिखना, सबसे समझदार लगना और औरों को उससे कम समझना। ये तुम क्या कर रहे हो पवन? अपने ही बेटे से गाय बकरी चरवा रहे हो? कैसे बाप हो तुम? मुझसे कुछ सीखो। अच्छा, ऐसा क्या गंगाधर? तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है वैसे? मैं जब भी देखता हूँ वो गलियों में बेकार घूमता और नजर आता है। तुम गवर क्या पता होगा, इसीलिए ऐसी बातें करते हो। वो पढ़ाई कर करके थक जाता है, इसीलिए कभी कभी ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकलता रहता है। देखना एक दिन बेटा कितना बड़ा इंसान बनेगा। ऐसे कहते हुए गंगाधर वहाँ से चला जाता है और गांव में मिलने वाले हर किसी को बेइज्जत करके अपने बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन सच कहो तो गंगाधर को भी नहीं पता कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है और क्या करने वाला है। शक्ति बेटा, क्या तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है? कौन सी नौकरी करने वाले हो और कौन सी पढ़ाई कर रहे हो बताओ मुझे। मैं लोगों से ये तो कह देता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि क्या पढ़ रहा है और क्या बनेगा। बस कुछ दिन और पिताजी, फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तब तक के लिए आपको बता दूं कि मैं बेहतर व्यापार कैसे करते हैं, इस बात की पढ़ाई कर रहा हूँ। गंगाधर इतनी बात से भी खुश हो जाता है और एक दिन ऐसे ही गंगाधर अपने बेटे के बारे में गांव में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा बेटा व्यापार कैसे करता है, इस बात की पढ़ाई कर रहा है। देखना एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। ऐसे गंगाधर अपने बेटे की तारीफ कर रहा था, तभी शक्ति अपने साथ कुछ गधे अपने साथ लेकर वहाँ से गुजर रहा था। उसे देखकर गांव वाले वो देखो गांव के सबसे बड़ा व्यापारी और हर वक्त पढ़ाई करने वाला ज्ञानी क्या कर रहा है। इससे अच्छा तो मेरा बेटा है गंगाधर, वो बकरियों और गाय के दूध का व्यापार करता है और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है अनपढ़ होने के बावजूद भी। ऐसे कहते हुए कुछ गुस्सा होकर तो कुछ लोग गंगाधर का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। अपमानित गंगाधर घर पहुंचकर अपने बेटे से ऐसे कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम आज? क्या यही सब करने के लिए इतनी पढ़ाई कर रहे थे? लोग गांव में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो पिताजी? गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भले ही मैं आज गधे चराता, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद मैं ऐसे 50 लोगों को इस काम पर रख सकता हूँ। ऐसे कहते हुए शक्ति कहता है कि गधे का दूध बहुत महंगा बिकता है, वो इसलिए क्योंकि उस दूध के ढेर सारे फायदे हैं। लेकिन गंगाधर को अपने बेटे की कोई भी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वो अपने बेटे के प्रति बर्ताव बदल देते हैं। लेकिन शक्ति को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना काम अच्छे से करता है। तुम्हारे पिता तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा बेटा ऐसा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बेटा ऐसी पढ़ाई कर रहा है, वैसी पढ़ाई करता है कहकर।
क्या तुम यही पढ़ाई करते थे गधे चरने की? मुझसे कहते तो मैं मुफ्त में पढ़ा देता। सुनकर अच्छा लगा कि आप मेरी मदद करते हैं पवन काका, लेकिन यकीन मानो मैंने जो पढ़ाई करके सीखा है वो आप मुझे नहीं सिखा पाते हैं। अगर आप वो सीखना चाहो तो मैं कभी भी सिखा दूंगा। ऐसे शक्ति अपनी बेइज्जती होने पर भी औरों से अच्छे से और सुकून से बात करता है। गांव वाले और शक्ति के पिता कभी भी उसके बर्ताव को समझ नहीं पाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में हर रोज सुबह एक और एक से ज्यादा वैन आने लगते हैं और शक्ति के घर से दूध के कैंस भर भर कर ले जाने लगते हैं। उन वैन्स को देखकर गांव वाले और शक्ति के हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर गंगाधर परेशान होने लगते हैं। शक्ति बेटा, मुझे भी सिखाओ ना, और हो सके तो पुरानी बातें भूल जाओ। शक्ति उन सब बातों पर ध्यान दिए बिना सबकी मदद करता है और उसी गधे का दूध बेचकर खुद का और पूरे गांव वालों का विकास करता है। एक गांव में एक गाय अपने आलसी पति और छोटे से बेटे के साथ मिलकर रहती थी। गाय का बेटा हमेशा घास खाने से रोता था और फल खाने की जिद करता था। आज उसका जन्मदिन है। कम से कम आज के दिन तो उसकी पसंद के फल लेकर आओ ना। जो है वो खाने को कहो उससे, या फिर तुम ही जाकर लेकर आओ उसके लिए वो फल। मुझे दोबारा उस जंगल में जाने की बात मत करना। उदास होकर गाय खुद ही जंगल में फल लेकर आने के लिए जाती है। उस जंगल में एक शेर रहता है। उस शेर को गाय का मांस बहुत पसंद है। कितने दिन हो गया है कोई डंक का शिकार ही नहीं मिला है। कोई अच्छा सा जानवर हाथ लग जाए तो आज मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए जंगल में घूम रहे शेर को वो गाय नजर आती है। शेर उस गाय के पीछे भागता है। गाय भी उससे डर कर भागने लगती है। ऐसे दोनों एक लोमड़ी के इलाके में चले जाते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ शेर, ये अब मेरे इलाका में है और मेरा भोजन है। इतनी दूर से भगा कर तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया था, समझे? अब हट जाओ मेरे रास्ते से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी खा जाऊं। आप दोनों शांत होकर एक बार मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे के जन्मदिन पर फल लेने के लिए आई थी। दया करके मुझे जाने दीजिए, मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारी इन बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा गाय। तुम्हें जाने दिया तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, उसका क्या? ऐसे तीनों एक दूसरे से बहस और विनती करने लगते हैं, लेकिन शेर से सबर नहीं होता है और वो गाय पर अपना एक हाथ मारता है। वो गाय घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर लोमड़ी की पत्नी आती है। हम शिकारी हैं, लेकिन हमारे कुछ नियम हैं। हम ऐसे शिकार नहीं करते हैं। आप इस शेर को रोकिए, तब तक मैं इस गाय को जंगल के बाहर छोड़कर आती हूँ। ये एक लोमड़ी जो अपनी हरकतों की वजह से खुद बदनाम है, वो मुझे रोकेंगे? ये इस सड़ी का सबसे बड़ा मजाक है। ऐसे कहकर शेर और लोमड़ी की जमकर लड़ाई होती थी। तभी लोमड़ी की पत्नी गाय को उठाकर जंगल के बाहर ले जा रही थी। लोमड़ी बुरी तरह से शेर से हार रहा था। वो देखकर गाय, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जंगल से बाहर निकलने से पहले बच पाऊंगी और आपके पति उस शेर को हरा पाएंगे।
आप मेरे जन्म ले रहे बच्चे को घर पहुंचाकर मुझे उस शहर को दे दो, इसी में सबकी भलाई है। कुछ देर सोचने के बाद गाय के जन्म दिए हुए बच्चे को लेकर वो लोमड़ी अपने पति से ऐसे कहती है, छोड़ दो उस बुकड़ को, खाने दो उसे एक मासूम को। हमें इतना तो पता चल गया है कि हम तो यूं ही बदनाम है। मैं जा रही हूँ इस बच्चे को इसके पिता और भाई के पास छोड़ने के लिए, जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। ऐसे कहते हुए लोमड़ी की पत्नी उस गाय के घर जाती है। घर की ओर एक लोमड़ी को आते हुए देखकर गाय का पति डर जाता है और उसे वहाँ से भागने के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो वहाँ से भाग ही रहा होता है कि लोमड़ी उसे रोक लेती है। रुको रुको, कहाँ पर भाग रहे हो? मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई हूँ, मेरी बात तो सुनो। ऐसे कहते हुए लोमड़ी सारी बात उस गाय के पति और बेटे को बताती है। वो बात सुनकर गाय का बेटा रोते हुए, ये सब मेरी ही गलती है मौसी जी, मैं ही हमेशा जिद करता था कि मुझे फल चाहिए, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो आज माँ जिंदा होती। नहीं बेटा, गलती मेरी है, मैं अगर इतनी आलसी और डरपोक नहीं होता तो आज वो जिंदा होती, मुझे माफ कर दो बेटा। जो हो गया सो हो गया, रोने से वो महान गाय लौट कर नहीं आ सकती है। तुम एक अच्छे पिता बनो और छोटे उस्ताद तुम एक अच्छे बड़े भाई बनो और अपने छोटे भाई का ख्याल रखो और भूल कर भी जंगल में मत आना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी जी, इस नन्ही जान को बचाने के लिए। उसके बाद लोमड़ी अपने घर वापस लौट जाती है और वो बैल आलसीपन छोड़कर अपने दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगता है।